जय माता की दोस्त। दुर्गा अष्टमी वाले दिन कन्या पूजन करके ही व्रत सफल होता है, तो कन्याओं को हम क्या क्या उपहार दे सकते हैं, यही जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं। मित्रों ये देखिए, कन्याओं के लिए बहुत सुंदर सुंदर हेयर पिंस, हेयर क्लिप्स, ब्रेसलेट, और ये 10 रुपीज़ ही चाहते हैं। आप आसानी से इन्हें दे सकते हैं कंचकों को, और कंचके इन्हें प्रयोग करेंगी और खुश भी बहुत ज़्यादा होंगी। चाहे तो इस तरह के छोटे छोटे पाउच या पर्स आते हैं, इनके अंदर वो अपना सारा सामान रख लेंगी और ये बहुत ही खुश होती हैं। इस तरह का छोटा छोटा सामान रख कर लेकर कन्याएं और इन पाउचेस के अंदर अपना हर सामान वो आसानी से रख सकती हैं। चाहे तो आप कन्याओं के लिए बैंगल्स भी ला सकते हैं। छोटी छोटी कन्याएं चूड़ियां पहनकर, रंग बिरंगी चूड़ियां उन्हें बहुत पसंद आती हैं। ये भी 10 रुपीज़ का एक पैकेट आता है, आप आसानी से इन्हें लेकर दे सकते हैं। और ये तरह तरह के साइजेस में आती हैं, आप पूरा एक बॉक्स ले लीजिए और किसी भी उम्र की 9 से 10 साल की 11 साल की कन्या को आराम से आ जाता है। चाहे तो आप ऐसे ऐसी प्लेट्स ले लीजिए, हेयर क्लिप्स ले लीजिए, हेयर बैंड ले लीजिए, इन्हें लगा कर कन्याएं बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। ये देखिए, इसमें छोटे छोटे टेडी बियर्स भी लगे हुए हैं, इन्हें लगा कर कन्या बहुत खुश होती हैं। चाहे तो आप इस तरह की हलवा प्लेट्स ले लीजिए, जो कि बीच में जगह बनी हुई हैं फ्रूट वगैरह रखने के लिए, सब्जी रखने के लिए, हलवा रखने के लिए। और ये देखिए, ये थोड़े महंगे वाले हैं, ये 40 रुपीज़ का पेयर है। इस तरह के भी आप हेयर क्लिप्स, हेयर रबर्ड्स ले सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी श्रद्धा के अनुसार आप वही क्लिप और वही सब कुछ आप अपनी कन्याओं के लिए ले सकते हैं। ये हम छोटा सा आइडिया आपके लिए लेकर आए हैं कि आप कन्या पूजन में कन्याओं को क्या दे सकते हैं। देखिए, इस तरह के हेयर क्लिप्स आते हैं, हेयर बैंड, इसमें भी तरह तरह की चीज़ें बनी होती हैं। किसी पर बो है, किसी पर फ्लावर, किसी पर टेडी बियर्स हैं। इस तरह की रबर्ड्स बहुत सुंदर लगती हैं कन्याओं को, और कन्या लेकर भी बहुत खुश होती हैं। तो आप उनके लिए हेयर एक्सेसरी या कुछ भी सामान रखने के लिए छोटे छोटे पाउचेज आप लेकर आ सकते हैं। और ये बॉक्सेज आते हैं, लंच बॉक्स जब भी लें कन्याओं के लिए, इन्हीं में आप हलवा, पूरी, चने का प्रसाद डाल कर दें। इन बॉक्सेस को अगर आपको गिफ्ट करना है कन्याओं को, तो ये खाली मत दें फ्रेंड्स, इनके अंदर कुछ ना कुछ डाल के दें। चाहे तो आप प्लेट्स भी ले सकते हैं, जिनके अंदर ये 3 डिवाइडर बने हुए हैं, इनमें आप अलग से हलवा, पूरी, छोले का प्रसाद रख कर भी कन्याओं को दे सकते हैं। कन्याओं को वाटर बॉटल भी दे सकते हैं। इस तरह से मित्रों, कन्याओं के यूज़ का सामान ही दें, ये ताकि वो यूज़ करें और खुश हों। अगर आपको हमारे ये कुछ आइडियाज़ अच्छे लगे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।